दोस्तों, किसी भी देश को ताकतवर बनाने के पीछे उसकी सभी डिफेंस फोर्सेस यानी कि थल, वायु और नौसेना का हाथ होता है, और इनके दम पर ही कोई देश दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करता है। और बात करें अपने देश की, तो भारत के पास इन सभी फोर्सेस से भी बढ़कर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो किसी की नजर में आए बिना दुश्मनों और आतंकवादियों का खात्मा करने में सक्षम है। ये फोर्सेस साल के 365 दिन और दिन के 2400 घंटे हमेशा अलर्ट रहती है, और सिर्फ कुछ मिनटों में ही दुश्मनों के किसी भी अचानक किए हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में भारत की ऐसी खुफिया स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्कोस कमांडो। दोस्तों, मार्कोस कमांडोस का नाम आपने कम ही सुना होगा। जैसे भारतीय थल सेना में कई रेजिमेंट्स हैं जिनके नाम से ही दुश्मन कांप जाते हैं, वैसे ही भारतीय नौसेना में मार्कोस कमांडोज हैं जो अकेले ही दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। मार्कोस को चाहे आतंकवाद से जंग लड़नी हो या फिर समंदर की गहराइयों में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, ये अपनी विशेष ट्रेनिंग की वजह से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। इन कमांडोज को सबसे कुशल बनाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ कड़ी परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये मार्कोस बनते हैं। इन्हें हर तरह के ऑपरेशंस में महारत हासिल होती है। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया गया है, और ये पहली बार 26/11 के मुंबई हमले के दौरान सबके सामने आए थे। ये दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस के साथ संयुक्त अभ्यास करते हैं। इस स्पेशल यूनिट का गठन 1987 में किया गया था, लेकिन दोस्तों, हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता। इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है। मार्कोस के सिलेक्शन के लिए मापदंड काफी मुश्किल होते हैं। अगर कोई मार्कोस के लिए चुन भी लिया जाए तो उसे कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जो लगभग 3 सालों तक चलती है। ज्यादातर 20 साल की उम्र वाले लोगों को ही इसके लिए चुना जाता है, और इनकी ट्रेनिंग का सबसे कठिन हिस्सा होता है डेथ क्रॉल, जिसमें जवानों को जांघों तक भरे हुए कीचड़ में भागना पड़ता है। इन कमांडोज को हर तरह के हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर चाहे वो चाकू हो, स्नाइपर राइफल, हैंडगन हो या फिर सब मशीन गन। ये कमांडोज हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। यहाँ तक कि नौसेना के सीनियर अफसर्स का तो कहना है कि इनके परिवार वाले भी इस बात को नहीं जानते कि ये कमांडोज हैं। इनके पास जो हथियार होते हैं वो दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों में से एक होते हैं, जिनमें से एक इजरायली TAR-21 भी है जो मार्कोस इस्तेमाल करते हैं। NSG कमांडो फोर्स। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं NSG कमांडोज के बारे में। इनका पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, और इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य VVIP लोगों की सुरक्षा में इन ब्लैक कैट कमांडोज को ही तैनात किया जाता है। इसके अलावा मुश्किल परिस्थितियां जैसे आतंकी हमलों से भी ये ब्लैक कैट कमांडोज निपट सकते हैं। ये कमांडोज सिर से पांव तक काले रंग के कपड़ों में ढके रहते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। इन कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता है, और इनकी ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है। बता दें कि NSG में चुने जाने वाले कमांडोज में से इन कमांडोज का चुनाव कई चरणों में होता है। सबसे पहले एक हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग में ही 80% जवान फेल हो जाते हैं। मात्र 15-20% सैनिक ही आखिरी दौड़ तक पहुंचने में सफल होते हैं। चुने गए जवानों को फिर 90 दिन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उन्हें हथियारों के साथ साथ बिना हथियारों के भी दुश्मन के हमले से बचने और उन पर हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। बता दें कि इस ट्रेनिंग के दौरान आग के गोलों और गोलियों की बौछारों के बीच से बचकर निकलना भी शामिल होता है। 3 महीने की इस खतरनाक ट्रेनिंग पास करने वाले सैनिक ही देश की इस सबसे खतरनाक और ताकतवर कमांडो फोर्स में शामिल होते हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स। दोस्तों, गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की एक खास यूनिट है जिसे साल 2004 में तैयार किया गया था। इस यूनिट का मकसद IAF के संवेदनशील संस्थानों और बेसिस की सुरक्षा करना होता है। IAF को इस खास तरह के बल की जरूरत तब महसूस हुई जब जम्मू कश्मीर में 2001 में एयरबेस पर 2 आतंकी हमलों की कोशिशें हुई। IAF ने सितंबर 2004 में गरुड़ कमांडोज फोर्स का गठन किया। इसका मुख्य मकसद इंडियन एयरफोर्स के संस्थानों को किसी आतंकी हमले से बचाना ही है। इसके साथ ही इसमें शामिल होना हर किसी के लिए आसान नहीं है। गरुड़ कमांडोज को
52 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग कोर्स से गुजरना पड़ता है। शुरुआती 3 महीने ये तय कर देते हैं कि कौन सा गरुड़ बेस्ट है और आगे की ट्रेनिंग के लिए फिट है। गरुड़ कमांडोज मुश्किल हालातों में न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान और पानी में भी किसी भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। ये दुश्मन को घर में घुसकर भी मार सकते हैं। इस फोर्स की क्षमता अब 1780 कमांडोज की हो गई है। जितने ये गरुड़ कमांडोज ताकतवर होते हैं, उतने ही ताकतवर इनके हथियार भी होते हैं। हर कमांडो के पास टेवर TR-21 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल्स, हेकलर एंड कूच MP5 सब मशीन गन, AKM असॉल्ट राइफल और कोल्ट की M4 कार्बाइन जैसे हथियार होते हैं। गरुड़ कमांडोज के पास इसराइल में बने किलर ड्रोन्स भी हैं, जो टारगेट पर बिना किसी आवाज के ही मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग बाकी स्पेशल फोर्सेस की तुलना में सबसे ज्यादा लंबी होती है। ट्रेनिंग का टोटल पीरियड 3 साल का होता है और इसके बाद ही कमांडोज पूरी तरह से स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बन पाते हैं। एयरफील्ड की सुरक्षा करने के अलावा इन कमांडोज को होस्टेज सिचुएशन से निपटने के लिए भी तैयार किया जाता है। कुछ एडवांस्ड गरुड़ यूनिट्स को आर्मी के पैरा कमांडोज और नेवी के मार्कोस कमांडोज की तरह भी ट्रेनिंग मिलती है। इलीट पैरा कमांडोज। 200 इलीट पैरा कमांडोज हवा में लड़ाई करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इन जवानों में 30,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में भी महारत हासिल होती है। इंडियन आर्मी के इलीट पैरा कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया था। इस यूनिट में स्पेशल ट्रेंड कमांडोज होते हैं। ये कमांडोज पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। इसमें स्पेशल फोर्सेज की 7 बटालियन शामिल है। इस कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान की 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। इंडियन आर्मी की ये ट्रेंड कमांडोज दुश्मन को छलने के लिए विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इनकी ड्रेस का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच इन्हें छिपने में मदद करता है। कमांडोज एक खास जिल्लीदार सूट भी पहनते हैं। स्पेशल फोर्सेज के ये कमांडोज पर्पल बैरेट पहनते हैं और इनकी इजरायली TR असॉल्ट राइफल इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स से अलग बनाती है। स्वैट कमांडोज। अमेरिका की तर्ज पर बनी भारत की स्वैट कमांडोज की टीम किसी भी हालात से निपटने में माहिर है। दिल्ली पुलिस के स्वैट कमांडोज सुरक्षा की गारंटी देते हैं। स्वैट कमांडोज की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। ये कमांडो फोर्स किसी भी हालात में दुश्मन का खात्मा करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इन्हें हवा, पानी और जंगल में घात लगाकर मारने की तकनीकें सिखाई जाती हैं। आधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडोज रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान कर उनका खात्मा करने में माहिर होते हैं। साथ ही इन्हें आतंकियों और नक्सलियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। बता दें कि 2008 में मुंबई हमले के बाद दिल्ली पुलिस के स्वैट कमांडोज का गठन किया गया था। दोस्तों, ये सभी स्पेशल फोर्सेज दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा करती हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा खतरनाक लगी और आपको मौका मिले तो आप किस स्पेशल फोर्स में जाना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी आज की कमांडोज पर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को द मिस्टिकल एंड हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।